हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? रिस्टोर ओल्ड पेंशन कह के क्या बातें मांगी गई? दिखाएंगे सिक्किम के इस बच्चे का चूजों से प्यार। इन दो महिलाओं का भगवान मुर्गा के लिए गाया गाना सुनाएंगे जो है बहुत प्यारा। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इस बातूनी लेकिन फेमस तोते की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात उस जगह की जहां की सारी मानवीयता और सेंसिबिलिटी बस पुलिस के ट्विटर हैंडल पर नजर आती है, मुंबई की। एशिया, दुनिया या शायद ब्रह्मांड के बेस्ट सीएम वाले राज्य की मुंबई से ये दिन खराब करने वाला वीडियो आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नया नगर मीरा रोड का वीडियो है। दावे आए कि एमबीएमसी के अफसर और पुलिस वाले एक फेरी वाले का ठेला पलट रहे हैं। वीडियो में नजर आता है कि उस पर भी मन नहीं भरा तो दो हथौड़े वाले बुला लिए गए जिन्होंने उस बेचारे का ठेला तोड़ दिया। आदमी कितना हताश और मजबूर हो सकता है ये इस वीडियो के उस हिस्से में महसूस कीजिए जब ठेला टूट रहा होता है तो ठेले वाला बचाने के प्रयास करना तक छोड़ देता है और सड़क किनारे जाकर बस बैठ जाता है। ये वीडियो खूब वायरल है, हर ओर से लानते मलानते मिल रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, जहां ऐसी बेहुदा अथॉरिटीज होती हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। मितेश गुप्ता नाम के एक शख्स की तस्वीरें आईं जो ठेले वाले की मदद करते हुए उनका ठेला फिर से शुरू कराते हुए मिले। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता नजर आया हैशटैग सोशल मीडिया डे। मजेदार मीम चलेगी सोशल मीडिया डे पे हम क्या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, और पलट के सोशल मीडिया वालों का इस पे जवाब आता है हमें पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ स्पेशल डे होता है। और यकीन मानो सोशल मीडिया टीम वाला होने के नाते मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। ना हमें ऐसा दिन पता है और ना हम चाहते कि ऐसा दिन कोई सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि कुछ भी हो दिन के अंत में काम हमारा ही बढ़ जाएगा। ICAI एग्जाम भी ट्रेंड होता मिला। इतने ट्रेंड्स और अदालती उठापटक के बाद अब ये तय हुआ है कि परीक्षा जो है वो स्थगित नहीं होगी। जिनके घर वालों या जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो ऑप्ट आउट कर सकेंगे। ICAI पहले डॉक्टरी सर्टिफिकेट और RT-PCR रिपोर्ट पर जोर दे रहा था। कोर्ट ने कहा RT-PCR रिपोर्ट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी पर मीम चले। वैसे छात्रों, ये जैसा सलूक ICAI आप लोगों के साथ कर रहा है, आपको नहीं लगता कि ये मुझे क्या, आपका और उनका मैटर है, आप जानो। और नॉर्दर्न रेलवे वालों, आप क्यों नहीं इन 1264 ALP वालों की बात सुन लेते हैं। नॉर्दर्न रेलवे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए पोस्टर बना बना कर डाल रहा था, नीचे अभ्यर्थी कह रहे थे 1264 चयनित अभ्यर्थियों के जीवन को मजाक बना दिया है। जब मन करे ट्रेनिंग शेड्यूल दे दे, जब मन करे ट्रेनिंग बंद कर दे, यही खेला चल रहा है। कल हमने बनियान वाली फोटो नहीं दिखाई थी, आज आप वो भी देख डालिए। लोग लिखते मिले और कितने धैर्य का परिचय लेंगे जनाब, अब तो हिम्मत हारने का मन करता है, थक चुके हैं भाषण सुनकर, अब तो दुनिया ही छोड़ने का मन करता है, ज्वाइनिंग मिलेगी कब, एज पास होगी तब। बेसिकली जरा सी बात है कि ट्रेनिंग शुरू होनी थी इनकी, टल गई है। अब ट्रेनिंग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जीएम भांति भांति की बातें कर रहे हैं जो कि अभ्यर्थियों को कहीं से भी पच नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। सरकारों के सामने क्या कम चुनौतियां होती हैं? पहले तो स्कूल खोलो, उसके बाद फ्री एजुकेशन मांगी जाती है, फिर कोई आके कहता है टैक्स पेयर्स का पैसा, फिर उसके बाद क्या होता है मिड डे मील देना पड़ता है, फिर क्या होता है बच्चे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कुछ नेता कुछ बच्चों को एंटी नेशनल बता देते हैं, कुछ लोगों को गुब्बारे गिनने के काम में लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद नौकरी मांगी जाती है, फिर सरकारी नौकरी मांगी जाती है, और फिर जब रिटायर हो जाएं तो पेंशन मांगी जाती है। और अब पेंशन का टेंशन ट्विटर पे बढ़ा है क्योंकि ओल्ड पेंशन मांगी जा रही है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह की आपत्तियां की जा रही हैं, NPS भारत छोड़ो जैसी बातें की जा रही हैं। कौन कर रहा है, क्या चल रहा है, आइए बताते हैं। ट्रेंड होता नजर आया #NPSQuitIndia, #WeWantOldPension, #RestoreOldPension। बहुत से राज्यों से लगातार सरकारी कर्मचारियों द्वारा ये मांग उठ रही थी। अब लोगों ने सोशल मीडिया को अपनी बात पहुंचाने का जरिया बनाया, वो भी ऐसा कि टॉप ट्रेंड करा दिया। शेर चले कि तेरे हर वार का पलटवार हूँ, NPS नहीं OPS का तलबगार हूँ। लोगों ने कहा बुढ़ापे में मार्केट रिस्क के कारण NPS सेफ नहीं है, हमें OPS चाहिए। साथ में मार्टिन लूथर किंग का कहा चला कि हमारा जीवन उस दिन से समाप्त होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों को लेकर चुप्पी साध लेते हैं जो मायने रखते हैं। FIR कराएंगे ये लोग। एक देश एक विधान, सबको पेंशन एक समान टाइप्स बातें कही गई।
नहीं चाहिए कोई बहाना ओपीएस लेने को ठाना जैसे नारे लगे मुझे किसी भी आम ट्विटर ट्रेंड के बदले इस ट्विटर ट्रेंड में सबसे रोचक इसके नारे लगे। ओल्ड पेंशन की बात करते करते काफी ओल्ड स्कूल टाइप नारे नजर आए जो कि अमूमन ट्विटर पर होता नहीं है, काफी मिसिंग है। एक जोक चला कि बुढ़ापे में तुम्हें क्या चाहिए, जवाब आया पुरानी पेंशन। कहा गया पुरानी पेंशन को साइड में रख दो, फिर बताओ तुम्हें बुढ़ापे में क्या चाहिए, जवाब आया साइड में रखी पुरानी पेंशन। नारों पर लौटते हैं, कहा गया कर्मचारी की एक पुकार पुरानी पेंशन दे सरकार। नारों पर पेंशन मांगते लोगों ने भी बात की, लिखा एक ही मांग एक ही नारा पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा। अखबारी कतरन चली कि नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सांसदों और विधायकों पर भी लागू करो। अखबारी कतरने दिखाकर ये चिंता भी जताई गई कि कैसे पेंशन से वंचित रिटायर्ड डाककर्मी ने जान दे दी थी। बात करते हैं फेसबुक की, जहां वायरल है सिक्किम का एक वीडियो, एक बच्चे का वीडियो है, बेसिकली साउथ सिक्किम का बताया जा रहा है, मिल्ली इलाके का बताया जा रहा है। ये बच्चा क्या था कि चूजों के लिए रो रहा था, घर पे पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए चूजे रखे गए, जब वो बड़े हुए तो उनको लेने के लिए वैन आई। अब बच्चा रोने लगा क्योंकि वो इतना इमोशनली अटैच हो गया था उन चूजों से, उन बड़े होते मुर्गों से, कि वो उनको जाने नहीं देना चाह रहा था। उसके पापा उसको समझाते मिले कि मैं और चूजे ले आऊंगा, तुम उनके साथ खेलना वगैरह, लेकिन बात वही थी कि नए आएंगे तो वो भी एक दिन चले जाएंगे। अब बच्चे की भलमनसाहत और उसका रोना लोगों को छू गया, वीडियो वायरल है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कैप्शन में लिखा है कि कैसे बच्चा अपना चिकन वापस मांग रहा है और कह रहा है उसे करी बना के न खाएं। लोग बोले उसे सच में बुरा लग रहा है, मैं उसका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन जो आदमी उससे बात कर रहा है वो बार बार ये क्यों कह रहा है कि वो सब मुर्गों को खा जाएंगे, उसको हेल्पलेस फील मत कराओ। लोग बोले ये लोगों को क्यूट या अम्यूजिंग लग सकता है, लेकिन उसके कोमल हृदय पर इसके जो निशान पड़ेंगे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसी ने कहा कई बार आपको बच्चों से इंसानियत सीखने की जरूरत होती है, वो दूसरे की जान की भी उतनी ही कद्र करते हैं जितनी अपनी जान की, बड़ों में ये बात नहीं होती। किसी ने वो बात कह दी जो भाषाओं की सीमा के कारण हम में से कुछ लोगों के मन में आई होगी कि जब आप किसी को महसूस करने की कोशिश करने के बिना उसको बस सुनते हैं तो आप असली मतलब नहीं समझ पाते हैं। मुझे इस बच्चे की भाषा नहीं पता, लेकिन मैं उसके हाव भाव से उसका दर्द समझ पा रहा हूं। प्लीज किसी के दर्द का कभी मजाक मत उड़ाओ। ट्विटर पर विजी वेंकटेश नाम की यूजर ने एक प्यारा सा वीडियो डाला ट्विटर वालों का दिन अच्छा करने के लिए। बताया कि बीते साल उनकी 80 साल की कजन सुबह लक्ष्मी उनके पास आई थी, फिर उन लोगों ने भगवान मुर्गा के बारे में एक गाना गाया जो कि बहुत प्यारा है, आप सुनिए। चलिए अब बारी पिक ऑफ द डे की। आज जो YouTube चैनल बता रहे हैं वो एक तोते के बारे में है, इसका नाम है वेलवेट द बेस्ट टॉकिंग पैरट, मम्मी के बेटे हैं ये। आपको याद होगा एक डेढ़ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तोता एक मम्मी के बेटे हैं कर रहा था, वही तोता है। तो इस YouTube चैनल पे आपको वीडियो मिलते हैं इस मिट्ठू राम के, और साथ में नजर आता है चुलबुल नाम का एक डॉगी, उन दोनों के आपस के झगड़े और उनकी मम्मी की बातें। ये काफी बढ़िया टाइम पास चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। मैं अभी से बता रहा हूं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उपलब्ध रहूं, और अगर दो दिन में गायब ही हो गया तो फिर कमेंट बॉक्स में RIP नहीं लिखना है। टाटा।